बच्चों, हम कक्षा 11वीं में अध्याय 9 के अंतर्गत सांख्यिकी विधियों के उपयोग के बारे में जानेंगे। ये अपना लास्ट चैप्टर है। सांख्यिकी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जो है हम शुरू से लेकर आखिरी तक हमने पढ़े हैं। कैसे संकलन करते हैं, कैसे उसका इकट्ठे करेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे, कैसे गणित के द्वारा उससे हल करेंगे, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत हमने जो है विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी की विधियों के बारे में आप लोग ने पढ़ा है। तो हम उसको क्या करेंगे, ये विधियां जो दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर है उत्पादन, उपभोग, वितरण, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन आदि से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए यह उपयोगी होता है। आप किसी भी परियोजना को तैयार करने की विधि के बारे में जानेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना आवश्यक होगा कि किस प्रकार की सांख्यिकीय विधियों के विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों को हमको प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, उपभोक्ता किसी उत्पाद के बारे में या बाजार के किसी उत्पादक के शुरू किए गए उत्पाद या सेवा के बारे में, वह विद्यालयों में सूचना तकनीक के प्रसार के बारे में या फिर किसी भी तरह से हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा उत्पाद या उत्पाद प्रणाली बेहतर बनाने के लिए यह सूचनाएं हम एकत्र करके रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करती हैं, क्योंकि ये आंकड़े जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर परियोजना का जो प्रथम चरण जो होता है, अध्ययन के लिए हम जो क्षेत्र या समस्या को पहचानना, सबसे पहले उसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि हम अध्ययन का उद्देश्य क्या है, मतलब हम आंकड़े एकत्रित क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ उद्देश्य के आधार पर आंकड़ों का संग्रह करना, फिर संसाधन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि हम देखेंगे कार, मोबाइल फोन, जूता पॉलिश, नहाने के साबुन या कपड़े धोने के आदि के उत्पाद के बारे में यदि बिक्री में अध्ययन करेंगे तो उसके लिए संभवतः किसी क्षेत्र विशेष या निवासियों की बिजली पानी की समस्या को हल करने, मतलब हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, परिवार के बीच में जो है उपभोक्ता जागरूकता जो है अर्थात उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता के बारे में अध्ययन करना चाह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ज्ञात करनी होगी, आंकड़े एकत्रित करने होंगे। फिर लक्ष्य के समूह का चुनाव, जो हम क्यों एकत्रित कर रहे हैं आंकड़े, तो इसमें लक्ष्य के समूह का चुनाव, जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्नों की एक प्रश्नावली बनाने के लिए लक्षित समूह के चुनाव में महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि परियोजना कार्य से संबंधित है तो उसके लिए हमारा लक्ष्य समूह जो मुख्यतः मध्यम आय वर्ग या उच्च आय वर्ग का होगा, क्योंकि ये उपभोक्ता उत्पाद जैसे साबुन आदि से जुड़े अध्ययन के लिए आपको ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी उपभोक्ताओं के बारे में अध्ययन करना होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी हमको एकत्रित करने होंगे आंकड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो इस तरह से ग्रामीण एवं शहरी जनता दोनों की ही अपना लक्ष्य बना सकते हैं और इस लक्षित समूह के चुनाव के अर्थात उस समूह को पहचान करना और ध्यान रखना होगा कि इसको केंद्रित करना होगा कि परियोजना की रिपोर्ट तैयार क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है, मतलब लक्ष्य हमारा इसका प्रमुख होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आंकड़ों का संकलन हम किस तरह से कर सकते हैं। आंकड़ों के संकलन के बारे में भी आपको हम पहले एक बार बता चुके हैं, जब आंकड़ों के संकलन के बारे में पढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें हमने आपको, सर्वेक्षण का उद्देश्य हमारा मतलब आंकड़ा कैसे करना है, प्रस्तावनाबोध हो गया, फिर लक्ष्य हमारा निर्धारित हो गया, फिर प्राथमिक आंकड़े का उपयोग किया जाए या द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया जाए, मतलब जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है उसके लिए किस तरह से हम आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। आंकड़ों के संग्रह के बारे में प्राथमिक विधि के उपयोग द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे प्रश्नावली, साक्षात अनुसूची का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, सर्वेक्षण द्वारा, फोन द्वारा, ईमेल आईडी, ये सारी चीजों के माध्यम से हम आंकड़े संग्रहित करते हैं। ये सारी चीजें हमने आंकड़ों के संकलन वाला जो चैप्टर था उसमें ये सारी चीजें हमने विस्तार से समझ चुके हैं, जिसमें डाक प्रणाली के साथ भी एक आवरण पत्र भी भेजा जाना चाहिए, पूछताछ के उद्देश्य का विवरण होना चाहिए, साथ ही साथ मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य समूह का आकार, विशेषता उद्देश्य आधारित होती है, इसलिए महिला साक्षरता या विशेष प्रकार से ब्रांड के साबुन की खपत सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक परिवार घर की जानकारी लेनी चाहिए कि वो किस तरह के ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं। फिर द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित या अप्रकाशित, जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वे प्रकाशित भी होते हैं और अप्रकाशित भी होते हैं, ये किसी संगठन के द्वारा भी, निजी संग्रह द्वारा भी किया जाता है। इसमें भी हमने आप लोग को बताया था कई चीजें जो है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, कई जो होते हैं गुप्त होते हैं जिसको कि प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारी यदि हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हो द्वितीयक क्षेत्र के आंकड़ों का प्रयोग हम
तब किया जा सकता है। यदि हमारे लिए उपयोगी है तो हम उसका उपयोग करेंगे, जैसे समय, धन या मानव संसाधन की कमी हो, सूचना आसानी से उपलब्ध हो, तो इस तरह से हम प्रतिदर्श विधि का उपयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि यह उपयुक्त है या नहीं। फिर उसके बाद है आंकड़ों का संगठन या प्रस्तुतिकरण। ये भी एक अलग से चैप्टर था जिसमें हमने आपको बता चुके हैं कि आंकड़ों का हमने संग्रह किया, उसके बाद प्राप्त सूचना संसाधित जो जरूरत है उसका हमने क्या किया, सारणीयन बनाया, उसके बाद आरेखों में या दंडारेख, वितारेख आदि के द्वारा हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा ये बताया गया कि अध्याय 3 और 4 में भी आप लोग को ये चीजें बताया जा चुका है। फिर विश्लेषण एवं व्याख्या, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी हमने आप लोग को समझा चुके हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक, विचलन, सहसंबंध, औसत निकालना, प्रसरणशीलता, सहसंबंधों की, ये सारी चीजें हम आप लोग को बता चुके हैं। और ये परिकरण के माध्यम से ही हम उसको योग कर सकते हैं। इन मापों को हमने किस में देखा है, अध्याय 5, 6, 7 में ये जानकारी आप लोग को दी जा चुकी है, इन सब के उपयोग से हम किस तरह से गणित को कर सकते हैं और यह जो आंकड़े संकलित किए उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर है आखिरी में हम ये देखेंगे कि आखिरी चरण में विश्लेषण के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होंगे उसकी व्याख्या करनी होगी। संभवतः यह विकास तथा सरकारी नीतियों के लिए जो है उसमें ये विषय संकलित आखिरी जो भावी परिदृश्य या पूर्वानुमान लगाने के लिए या सुझाव देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है, यह तो हम पुराना जब देखेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उससे हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम तुलनात्मक ढंग से अध्ययन भी कर सकते हैं। फिर है ग्रंथ सूची, इन अनुभाग में उन सभी द्वितीयक स्रोतों को जैसे कि पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शोध रिपोर्टों आदि के बारे में विवरण देने से जागरूक होता है, जिनका प्रयोग हम परियोजना बनाने के समय उसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि ये जो है हमने जो सारणीयन किया, प्रस्तावना है, फिर उसके बाद उस आंकड़ों का कैसे उपयोग करना है, कैसे संकलन करना है, वह सारी चीज़ें हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि उन आंकड़ों को हम किस तरह से विस्तृत में उसका उपयोग करेंगे।